हरि हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। नाटक समय सार सामने विराजमान है। बनारसी दास जी की अनुपम रचना है। समय सार और अमृत चंद्राचार्य के कलशों को आधार बनाकर ये चर्चा उनके माध्यम से की गई। पिछले कई दिनों से हम उसके एक एक प्रकरण को छोटा छोटा सा देख रहे थे और कल हमने आपके बीच में जो चर्चा की थी उसमें बतलाया था भैया 6 महीने का कोर्स है। काम 6 महीने में हो जाए ऐसा है, 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप आज मानो तो ठीक, आज से शुरू करो तो मैक्सिमम 6 महीने, 6 साल बाद शुरू करो तो मैक्सिमम 6 महीने, और 6 जन्म बाद में करो तो मैक्सिमम 6 महीने। अब कब करना है आपके ऊपर, यानी सब थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए, थोड़ा शॉर्टकट थोड़ा कम हो जाए इसमें कुछ गुंजाइश। बोले कम तो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो अंतर्मुहूर्त में कर लो। अच्छा तुम कर सकते हो, इसमें क्या है, तुम्हारे ऊपर है सारी बात की करना क्या है। ये बतलाओ कि करना तो एक ही काम है भाई साहब, अनुभव की। साहब हम भी वही चाहते हैं अनुभव करना, लेकिन होगा कैसे। बात तो ये है कि होगा कैसे, अनुभव तो सब करना चाहते हैं, तो अनुभव हो नहीं रहा है क्या आपको? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो। संसार में कोई जीव अनुभव से रहित नहीं है, प्रत्येक जीव अनुभव कर रहा है। ये बात अलग है कि आप दुख का अनुभव कर रहे हो, ये बात अलग है कि आप गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहे हो, ये बात अलग है कि आप पराधीनता का अनुभव कर रहे हो, परतंत्रता का अनुभव कर रहे हो, मिथ्यात्व जन्य विपरीत परिस्थितियों का अनुभव कर रहे हो, लेकिन अनुभव तो कर रहे हो। क्या यहां जो प्रकरण है ये प्रकरण अनुभव का नहीं आत्म अनुभव का है। इसलिए जनागम में जब जब अनुभव करने की प्रेरणा दी जाए और अनुभव करने के लिए कहा जाए तो उसका एक ही अर्थ समझना चाहिए कि यहां अनुभव मतलब आत्मानुभव, अनुभव मतलब अपने आत्मा का अनुभव, अनुभव मतलब अतिन्द्रिय आनंद का रसास्वादन। कि साहब वो कैसे होगा वो अनुभव, एक विधि बतला दो आप, वो प्रक्रिया बतला दो आप कि अनुभव कैसे हो सकता है, उस अनुभव करने का मार्ग क्या है, विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो बतला दीजिए जरा। देखिए 17 नंबर का छंद है, एक प्रकार से मंगलाचरण जैसा ही छंद समझना चाहिए। और अनुभव याको नाम, सुनिए ना सबने, लाइनें तो सुनी हुई है। चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, बनारसी दास जी की चर्चा चले, नाटक समय सार की चर्चा चले, और विशेषकर आत्म अनुभव की चर्चा चले, और ये छंद न आवे ऐसा कैसे हो सकता है, है? बड़ी सुंदर चर्चा है। बोलते हैं भाई गौरव बैठो, क्या कह रहे हैं देखो। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम, अनुभव या को नाम। क्या करना है भाई साहब, विधि प्रक्रिया प्रोसेस क्या है, कुछ तो बताओ। बता तो दिया वस्तु, अरे साहब वस्तु क्या है, अभी हमें वस्तु की खबर नहीं है। जिन्हें वस्तु की खबर नहीं होगी उन्हें अनुभव कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप तो है वस्तु को जानो, वस्तु के बारे में समझो, वस्तु क्या है, वस्तुएं कौन सी है, वस्तुएं कितने प्रकार की है, वस्तु का स्वरूप क्या है। ये वही वस्तु है जो मेरी भावना की लास्ट लाइन में कही है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, ये वही वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है, बोले 6 जाति की वस्तुएं, विचार करो उनका, विचारत ध्यावते, 6 जाति की वस्तुओं का विचार करो। और फिर 6 का विचार करते करते फिर क्या करना, बोले इनमें से अपनी कौन सी है,
क्या करता है व्यक्ति, अपना तो देखेगा ही ना। उन्हें साहब इतने सब कुछ है, बाहर निकले इतनी सारी चप्पलें, अपनी कौन सी है? या चार मोबाइल रखे हों तो अपना कौन सा है? क्या साहब अपना तो अपना ही होता है। तो सीधी सी बात है, बोले दुनिया में वस्तुएं अनंत हैं, जाति अपेक्षा से छह हैं, लेकिन अपनी वस्तु कौन सी है उसे पहचान लेना, और फिर क्या करना, बोले उसका विचार करना, और विचार करते करते चिंतन की गहराई में जाते हुए जब वे विचार चिंतन की गहराई के लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान और विचार में क्या फर्क है? विचारों की एकाग्रता, विचारों में तल्लीनता, उसका नाम ध्यान है। विचार चल रहा है किसी चीज के बारे में, हमने विचार करना शुरू किया, जो भी विचार हमारे चित्त में चलना शुरू हो गया, अब विचार चलते चलते वो विचार वहीं जम गया, उस विचार पर चित्त अटक गया, वहीं उपयोग रुक गया, बोले ध्यान है। सारी दुनिया ध्यान ध्यान की बात कर रही है, ध्यान करो ध्यान करो साहब ध्यान करो। अरे ज्ञान ज्ञान होगा तो ध्यान अपने आप हो जाएगा। मुझे एक बात बतला दीजिए, आप अजय जी हैं क्या, आपको ये बात का ध्यान कब करना पड़ता है? आप शशि भूषण जी, आपको इस बात का ध्यान कब करना पड़ता है? क्या बोलो, मैं देह हूं इस बात का ध्यान कब करना पड़ता है ये बताओ तो सही। जब अपने में अपनापन होता है तो ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या मां जब बच्चे का ध्यान रखती है, डेढ़ साल का बच्चा घुटनों के बल चलते चलते अभी लड़खड़ाते कदम रखने लगा है, दौड़ने लगा इधर से उधर, अब वो खाना बना रही हो, किचन में हो, सफाई कर रही हो, सब्जी बना रही हो, कुछ भी काम कर रही हो, लेकिन ध्यान ध्यान बच्चे पर है कि नहीं? नहीं, ध्यान करना सीखना पड़ेगा। उस बच्चे को मां का ध्यान करना सीखना पड़ेगा क्या, ये बतलाइए। नहीं नहीं साहब, सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कैसे ध्यान करेंगी, बिना सीखे कैसे करेंगी? आज बच्चे का ध्यान रखना तो सीखना पड़ेगा ना। आजकल चलने लगी है ट्रेनिंग क्लासेस भी ऐसी, बच्चों का ध्यान कैसे रखे। अरे बच्चों का ध्यान कैसे रखे, ये भी कोई सीखी सिखाई जाती है ये बात, बच्चों का ध्यान कैसे रखे। अरे बच्चे के प्रति प्रीति होती है, अपनापन होता है तो ध्यान अपने आप हो जाता है, रखा नहीं जाता है बात। ध्यान रखना ये बहुत मार्मिक बात है, ये ऑटोमेटिक है ये प्रक्रिया। सम्यक दृष्टि जीव का ध्यान अपने स्वभाव के ऊपर 24 घंटे रहता है। घर में रह रहा है, बिजनेस में रह रहा है, काम कर रहा है, नोट गिन रहा है बाहर में, नोट गिन रहा है कि कितने हैं। कभी ऐसा भी हो जाए कि कितने थे, 70 नोट थे, और गिनते गिनते बोले कितने, बोले अनंत। क्या क्या कह रहे हो तुम? नहीं नहीं मैं वो अलग गिनने लग गया अनंत अनंत गुण देखने लग गया, मैं अपनी संपदा को देखने लग गया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ये तो पागलपन की बात है, ये ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये नोट गिनते गिनते भी नोटों के प्रति अपनापन नहीं है। बाहर में संपत्ति के बीच में बैठे हुए भी संपत्ति के प्रति तन्मयता नहीं है। हमारे पंडित जी थे एक, मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब, आप जानते होंगे भाई साहब, 1996 में डेथ हुई उनकी, आपने देखा सुना होगा, बड़ा जबरदस्त विद्वान थे, जयपुर के पुराने विद्वान। वो दो लाइनें कहते थे, वो दो लाइनें सुनाता हूं। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। क्या क्या लाइनें हैं? कोई आदमी शहर में रहने वाला, कभी गांव गया नहीं हो, और गांव चला जाए और देखे वहां पनिहारिन है, कुएं पर जाकर के मटके ले जाकर के, और वहां से कुएं से रस्सी से निकाल निकाल करके पानी नेज से उससे खींच खींच करके मटके भरे और एक रख दिया, दूसरा रख दिया उसके ऊपर, तीसरा रख दिया, चार मटके एक के ऊपर एक, और एक दो नहीं चार पांच महिलाएं सब एक दूसरे के सहयोग से सब सब ऊपर रख दिए, और अब हंस रही है, मजाक कर रही है, और मटकती हुई चल रही है रास्ते में। आप हम जैसे लोग देखे हैं तो पागल हो जाएंगे, कर क्या रही है, गिरेंगे अभी, क्या कर रही है ये गिरा, ये गिरे मटके, लेकिन क्या मजाल जो मटके नीचे गिर जाएं, क्या हेतु है भाई साहब, कारण क्या ये बताओ, कुछ भी कर रहे हो क्या, हंसी मजाक छेड़खाड़ जो जो कर रही है मौज मस्ती, लेकिन एक बात है मन रहता है हर समय पर गगरी की ओर, मन हर समय वहां है,
मन तो वहां जुड़ा हुआ है भाई साहब, इसका नाम ध्यान है, इसका नाम उपयोग की एकाग्रता है। ये क्यों है? क्योंकि वो उसको पता है गिरने पर क्या होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का ध्यान, आत्मानुभवियों का ध्यान, ये कहते हैं वस्तु विचारत ध्यावते। वो अनुभव कैसे हो गया है? वस्तु स्वरूप का विचार करते करते जब उसी का ध्यान होता है, उपयोग मग्न होता है, चित्त की एकाग्रता होती है और मन जब विश्राम को प्राप्त कर जाता है, मन पावे विश्राम। सम्यक कब करते हो विश्राम बताओ? तन्मय से तो नहीं पूछूंगा, कब करते हो विश्राम? विश्राम कब करते हो भाई गौरव? 8 बजे 10 बजे 11 बजे 11 12 जब जब मोबाइल जब टीवी जब बंद हो जाए। एक बात है, जब थक हार करके पड़ जाए बस, जब तक थकान नहीं होती है तब तक विश्राम नहीं होता है। थका हुआ होता है तो विश्राम जल्दी होता है, थका हुआ होता है तो नींद जल्दी आ जाती है, और फ्रेश होता है तो नींद नहीं आती है। ये क्या हुआ है यार, 11 बज गए नींद नहीं आ रही है आज? अरे आज दिन में सो लिया था, आज क्या हुआ, आज नींद नहीं आ रही है? नहीं, सब लोग दोस्त लोग बैठे हुए थे तो नींद ही नहीं आई, तो बैठे रहे बातों में निकल गए, नींद नहीं आ रही है। और जब थक जाता है तो बोलता है यार अब तो बस भाई साहब, अब तो बस। ये क्या हुआ? थकने पर विश्राम होता है, थकने पर आराम होता है। ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप का विचार करते करते, चर्चा क्या चल रही है, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते अपने उपयोग को, अपने मन को, अपने चित्त को इतना उसके विचार और चिंतन में थका दो कि वो मन विश्राम करने के लिए मजबूर हो जाए। क्या? फिर कहते हैं मन पावे विश्राम। अब विश्राम मिल गया, अब अपने आप ही रुकेगा भाई साहब। बुद्धिपूर्वक काम तो क्या है हमारा, तत्व विचार में तद्रूप होकर के उपयोग को लगाना, यही बुद्धिपूर्वक काम है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, काम तो एक ही करना है। अनुभव अपना अपना ही होता है, अनुभव निजी होता है, अनुभव व्यक्तिगत होता है, अनुभव उधार का नहीं होता है, अनुभव सामूहिक नहीं होता है। हर व्यक्ति का अनुभव अपना अपना है, हर व्यक्ति की फीलिंग अपनी अपनी है। ये अनुभव की बात कर रहे हैं कि क्या होगा, उससे रस उत्पन्न होगा, स्वाद आएगा, रस स्वादत सुख उपजे। और क्या होगा? बोले अनुभव या को नाम, इसका नाम अनुभव है। बाहर के अनुभव सब फीके पड़ जाते हैं, रस नहीं आता है दुनिया में। अरे साहब गृहस्थी चौपट हो जाएगी। अरे गृहस्थी चौपट होती हो तो होने दो, होगी नहीं। ज्ञानियों की गृहस्थी चौपट नहीं होती है, वो आनंद ही कुछ अलग प्रकार का है। वो आनंद इस प्रकार का है जिसके लिए दुनिया में कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। फिर भी वनार्दी दास जी ने उस आनंद के लिए कई तरह की उपमाएं देने का प्रयत्न किया है, उस आनंद के लिए, उस अतिंद्रिय आनंद के लिए, उस स्वाद के लिए। भैया ज्ञानी लोग तो उस स्वाद के दीवाने हैं। ज्ञानी लोग तो ये सोचते हैं कब वो अवसर आएगा जब अतिंद्रिय आनंद का स्वाद मिलेगा, कब ऐसा अवसर आए। डूब जाओ अपने में, मत देखो बाहर, बाहर देखना बंद कर दो। 6 महीने का कोर्स बतलाया था, सारे संकल्प और विकल्प का त्याग कर दो, दुनियादारी से विराम ले लो, और जहां बैठे हो कोई बात नहीं, विराम नहीं सही, उपयोग का विराम दे दो। उपयोग को उलझाएंगे नहीं, उलझने नहीं होगी, न शिविर के नाम पर उलझन, न विधान के नाम पर उलझन, समझना, न कक्षाओं के नाम पर, न आयोजनों के नाम पर। सिर्फ एकमात्र प्रयोजन आत्मकल्याण का, दूसरा और कुछ नहीं। सिर्फ एकमात्र प्रयोजन आत्मकल्याण करना है भैया, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है हमारे को। तो जैसे बन पड़े आत्मकल्याण करो। वो मार्ग यहां बतलाना चाह रहे हैं, ये वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे। अनुभव क्या है? ये अनुभव, ये विधि जो बतला रहे हैं यहां, ये अरब अनुभव के बहुत गीत गाते रहते हो। ये अनुभव क्या दोस्त है तुम्हारे? हाँ दोस्त तो थे साहब हमारे, क्या? लेकिन सवाल यहां जिस अनुभव का है, ये अनुभव के संदर्भ में लोगों को लगता है यार ये अनुभव की बहुत बातें करते हैं, आत्मानुभव की बातें करते हैं। किसी भी मुमुक्षु मंडल में चले जाओ, सब आत्मानुभव की बातें करते हुए मिल जाएंगे लोग आपको। होता भी है कि नहीं किसी को? क्या कल तो कहा था इस तरह की बात, अरे भैया तू जो ये संकल्प विकल्प कर रहा है, क्या तू ऐसे विकल्प मत कर, हम कह रहे हैं ये हो ही है अवश्य प्राप्ति। ये कैसे नहीं होगी इसकी प्राप्ति? हम बैठे हैं ना यहाँ पर, उस अनुभव के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही है। ये अनुभव चीज क्या है? जिस अनुभव को सारे जगत के आत्मार्थी लोग पसंद करते हैं, वो अनुभव क्या चीज है? जरा देखना वो अनुभव क्या है।
देखो भैया इसके बाद में बतलाते हैं अनुभव क्या चीज है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप। अगला छंद है ना, 18 नंबर का छंद। नहीं मिला, मिल गया? अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोख को, अनुभव मोख स्वरूप। चिंतामणि है, चिंतामणि। अरे क्या बात कर रहे हो, चिंतामणि की बात कर रहे हो। चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न अनुभव। ये कैसा चिंतामणि रत्न है ये अनुभव? ये अनुभव वो चिंतामणि रत्न है जिसके माध्यम से सब काम सज जाते हैं। चिंतामणि किसे कहते हैं बतला दो, चिंतामणि किसे कहते हैं? चिंतामणि का मतलब क्या होता है? सारी चिंताएं मिट जाए उसका नाम चिंतामणि है, जो मांगो वो मिल जाए उसका नाम चिंतामणि है, जिसका विकल्प आ जाए वो काम हो जाए उसका नाम चिंतामणि है। तो साहब अनुभव होगा तो हम जो चाहेंगे वो गाड़ी आ जाएगी क्या? अनुभव को यदि चिंतामणि कह रहे हो तो हमें जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी मिल जाएगी या नहीं? अनुभव को यदि चिंतामणि कह रहे हो तो हमें जिस कॉलोनी में जिस जगह पर बंगला चाहिए वहां मिल जाएगा कि नहीं? अनुभव को यदि चिंतामणि कह रहे हो तो हम जितना बड़ा फार्म हाउस और जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाएगा कि नहीं? अनुभव को यदि आप चिंता, क्योंकि हम चिंतामणि है तो फिर सब कुछ मिल जाना चाहिए ना, कि मिल जाएगा। लेकिन बात सुनना पहले, सब दिला दूंगा, तू पहले बता, मेरे को बता तो सही, तो ये गाड़ी क्यों चाहिए? बात तो बताओ क्यों चाहिए, फिर दिला देंगे, कोई बात नहीं, बता तो दो क्यों चाहिए, बंगला क्यों चाहिए, सुविधाएं क्यों चाहिए, ये बाहरी वस्तुओं का आकर्षण किस लिए है? कि यार क्या बात करते हो आप, यार सुखी होने के लिए चाहिए, सीधी सी बात है, सुखी होने के लिए चाहिए। बोले मैं यदि उससे भी अच्छा सुख आपको बिना गाड़ी के दिला दूं तो चाहिए कि नहीं? बोले मुझे क्या दिक्कत है, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? एक एक व्यक्ति ये कह रहा था कि यार मुझे है ना ये यहाँ टाटा जी के यहाँ नौकरी पर लगा दो, ये जॉब मिल जाए मेरे को, 25 लाख वाली मिल जाएगी, 50 लाख वाली मिल जाएगी। कल कितने की बात की थी अपन ने? 50 लाख की थी, 50 लाख का पैकेज मिल जाए इनको, ध्यान है, 50 लाख वाला मिल जाए। सोच रहा था बार बार में सिफारिश लगवाई अजीत जी भाई साहब के पास में जाकर के, भाई साहब थोड़ी सी आपके या थोड़ा सा कर दो कुछ जुगाड़। तो भाई साहब ने एक बात कही कि तेरे को 50 लाख वाली उनके यहाँ नौकरी चाहिए, और यदि मैं तेरे को दूसरी जगह 70 वाली दिलवा दूँ, अरे भाई साहब फिर तो बात ही क्या है। बोलो बोलो क्या क्या होगा? माने आप जिस गाड़ी बंगले से सुविधा और सुख के बारे में सोच रहे थे, ये कह रहे हैं भैया वो सुख तो पानी भरता है उस सुख के आगे, इसलिए इस अनुभव को चिंतामणि कह रहे हैं। दुनिया के सारे सुख इस आनंद और इस सुख की बराबरी करने में समर्थ नहीं है, ये वो आनंद है, ये चिंतामणि रत्न है, ये अनुभव रस का कुआ है, आनंद रस का, डूब जाओ इसमें। अमृत चंद्राचार्य देव ने कलश लिखा था इस तरह का, सारे जगत के सब मिलकर के एक साथ नहाइए, ऐसा ऐसा स्विमिंग पूल जैसा, अतिंद्रिय आनंद में डूब जाओ, इसमें डुबकी लगाओ एक बार। एक बार इस आनंद में जब डूब जाते हैं तो सुनो, आनंद तो आता ही है और तकलीफ का वेदन भी नहीं होता, फिर संकट नहीं दिखते, फिर परेशानियां नहीं दिखती, फिर तकलीफ नहीं दिखाई देती है, रस नीरस हो जात सारे जगत के विषयों का आनंद आनंद नहीं दिखाई देता है, अब नहीं रमेंगे विषयों में, ये भावना जगने लगती है। अब विषयों में ना ही रमेंगे निजानंद पान करेंगे, अब भोगों में ना उलझेंगे निजानंद पान करेंगे। संकल्प तो बनाओ, भावना तो बनाओ भाई साहब, क्या नहीं उलझेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं रुलेंगे भाई साहब। ये तो कैसे कैसे छोड़ करके निकल जाते हैं हमारे मुनिराज साधक लोग, आत्म आराधक लोग, घर छोड़ करके चले जाते हैं, सुविधाओं को छोड़ करके चले जाते हैं, संपत्ति को छोड़ करके दीक्षा ले लेते हैं, ये कैसा सुख होगा, वो कैसा आनंद होगा। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में,
चल पड़े आदि कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में, चल पड़े नेमि कुमार, चल पड़े शांति नाथ। कैसे चल दिए? छह खंड की विभूति को छोड़ करके दादा तो कहते मोतियाबिंद था क्या? उनको दिखता नहीं था हम जहां भाग रहे हैं, हम जहां दौड़ रहे हैं, जिन विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, जिसमें सुख मान रहे हैं, छह खंड की विभूति को छोड़ करके चले गए। छह खंड की विभूति को छोड़ करके चले गए। दिमाग तो सही था उनका। सोचते हो आप कभी 14 रत्न 9 निधियां स्वर्ग के देव रक्षा करने वाले अर्दली में खड़े हुए, नौकर जैसे चपरासी बन करके इंद्र खड़ा है, बोलो बाहर खड़े हुए देवी देवता खड़े हुए, हजारों देव, एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाला एक एक हजार देव। क्या भाई साहब, एक एक हजार देव, एक एक निधि की रक्षा करने वाला, एक एक रत्न की रक्षा करने वाले, पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव। कल्पना तो करो आप, क्या निधियां हैं उसके पास में। हे शांति जिन तरण समतजी, क्या बोलो, एक तिनके के समान त्याग दी। सुबह कुंथुनाथ भगवान की पूजन पड़ी थी, तिनके के समान त्याग करके निकल गए। अरनाथ भगवान की पूजन, तिनके के समान त्याग दिया। अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप, ऐसे छोड़ करके? कुछ नहीं है दम इसमें, इसका मतलब कुछ और चीज मिल गई है, उन्हें बड़ा पैकेज मिल गया। सीधी सी बात है, इसमें क्या है। कितने साथी लोग मिलते हैं, युवा साथी लोग, आज बात करो कहां जॉब कर रहे हो, बोले IDBI में। 6 महीने बाद में मिले, बोले कहां हो, बोले HDFC में। क्या हुआ कि आज आज कहां हो, बोले ICICI में, बोले उसमें। ये क्या क्या चक्कर क्या है, बोले पैकेज। आज जमाना इसी तरह का है आजकल का। वहां बड़ा पैकेज मिला तो ये छोड़ करके वहां चले गए। तो यार ये शांतिनाथ भगवान को 6 खंड की विभूति से भी बड़ा पैकेज मिल गया, कोई 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 तो बात है। ये 6 खंड की विभूति से बड़ा पैकेज, बोले कहां जाकर के, बोले कहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, इससे बड़ा पैकेज ये एज को पैक करने का काम नहीं है, ये तो एज को अनंत करने का काम है। अपने में समा गए, अतिंद्रिय आनंद में डूब गए, और फिर सादी अनंत काल तक निकलने का काम नहीं है। ऐसी संपदा मिल गई है, अनंत सुख मिल गया है, अनंत आनंद मिल गया है। ये चिंतामणि रत्न है, ये रस का कुआ है भैया, रस कूप है ये। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, मोक्ष का मार्ग है अनुभव, अनुभव मोक्ष स्वरूप। एक और सुन लो भाई साहब, एक और सुन लो, 19 नंबर का और सुना दो, छंद देखो थोड़ा सा, क्या करें, अंतिम दिन है, जितना सुना जाए उतना सुन लो है? क्या कह रहे हैं, 19 नंबर का छंद देखो, इसी के आगे वाला लाइन से बनारसी दास जी ने जो चर्चाएं की है, लाइन लगा करके एक के बाद एक जो उन्होंने बातें कही है, अरे भाई साहब वैसा वैसा गजब कर दिया है उन्होंने। अनुभव की क्या महिमा गाई है, क्या महिमा कहे अनुभव की, क्या होता है आत्मा का अनुभव। सारी बातें धरी रह जाती है एक तरफ इस अनुभव के सामने। जब अनुभव में समा जाते हैं तो माथे पर सिगड़ी चलती है, वो भी ऐसा लगता है जैसे मुक्ति श्री से कन्या से विवाह करने के लिए सेहरा बांध दिया गया हो माथे पे, ऐसी फीलिंग होती है। जब गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया जाता है तो अनुभव में डूबे हुए अतिंद्रिय आनंद का स्वाद लेने वाले मुनिराजों को ऐसा लगता है कि मानो गले में कोई माला डाल करके अभिनंदन कर रहा हो। मरा हुआ सर्प डाल दिया यशोधर मुनिराज के, 3 दिन तक पड़ा रहा, तो क्या फीलिंग आ रही है। कोई बात नहीं भैया, तू कर रहा है उत्सर्ग, वो कमट पत्थर बरसा रहा है, बोले बरसाता रहे कोई बात नहीं, आनंद में मग्न है अपन, तू तेरा काम कर, मेरे को अपना काम करने दे। ये अनुभव क्या चीज है, इस अनुभव के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, इस अनुभव के जिस तरह के गीत गाए हैं, इस अनुभव के लिए जो शब्द यहाँ दिए हैं, सुनकर के ही ऐसा लगता है यार गजब कर दिया है। बनारसी दास जी कहां से छंद छांट करके लाए, शब्द छांट करके लाए, शब्द कोश में ढूंढो तो शब्द नहीं मिले आपको। ये ऐसे शब्द हैं जनागम के। हाँ भैया दिख रहा है क्या कुछ? हाँ दिख गया, मोबाइल की स्क्रीन वालों को भी दिखाई दे रहा होगा, जरा देखना क्या बातें हैं। अनुभव के रस को रसायन कहते जग, सुना है, सुना है क्या, सुना है क्या सब, नहीं सुना कभी? अरे क्या करते हो आप, नाटक समय सार के रसियाओं ने यदि ये छंद नहीं सुना तो फिर क्या सुना क्या? अनुभव के रस को रसायन कहते जग, अनुभव अभ्यास यहू तीरथ की ठोर है,
अनुभव की रसा कहा वे सोई पोर सासु, अनुभव अधोर सासो उरध की दौर है। अनुभव की केली यह काम धेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कोर है। अनुभव करम तोरे परम सो प्रीति जोरे, अनुभव समान न धर्म को और है। अनुभव समान न धर्म को और है। क्या कह रहे हैं बनारसी दास जी, क्या भाई साहब राजीव जी क्या कह रहे हैं? आपने सुना है तो नाटक समय सर, अनुभव के समान कोई धर्म ही नहीं है। ये धर्म के नाम पर मरे जा रहा है, उपवास किए जा रहा है, पूजन किए जा रहा है, माला का जाप किए जा रहा है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना किए जा रहा है, धमाधम एक के बाद स्वाहा 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 क्या। और आज तो देखो आप कितना, 2 बज गए साहब, 3 बज गए साहब, 4 बज गए साहब, आज तो 5 बजे तक चलता रहा साहब, 1024 थे। क्या करें और क्या धर्म धर्म ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? धर्म किसका नाम है ये समझ लो जरा, धर्म किसे कहते हैं? बाहर में धर्म नहीं होता, अंदर में धर्म होता है। बाहर में कहीं शांति नहीं है, शांति में धर्म है, अशांति में अधर्म है, अशांति में अधर्म है। सारे दुनिया में घर से बाहर निकलते ही अशांति का सिलसिला शुरू हो जाता है और घर में आते ही शांति मिलती है। घर से बाहर कितनी भी सुविधाएं क्यों नहीं हो भैया, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 5-स्टार फैसिलिटी मिल जाए, 7-स्टार फैसिलिटी मिल जाए आपको, लेकिन घर तो घर ही है। 5 दिन घर से बाहर निकलते हो, 6ठे दिन याद आने लग जाती है, मुझे तो 8वां दिन है। बोलो अरे क्या सोचो तो सही, आप घर छोड़ करके निकल गए। अरे पंडित जी आप तो मजे कर रहे हो, आप तो लंदन घूम रहे हो, आप तो अमेरिका घूम रहे हो, आप तो यहाँ जा रहे हो कि तुम भी चलो मेरे साथ में। अरे नहीं नहीं बिजनेस है तो फिर तुम्हें मजे नहीं आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं आपके तो मजे, हमारे साथ चलो ना, मजे करो आप भी, कितने समय घूमते हो चलो। नहीं पंडित जी आप यहीं रुक जाओगे? रुक जाएंगे कोई बात नहीं, हम रुक जाएंगे, फिर आप हमारे साथ में महीने पर रहोगे ना जयपुर? अरे नहीं नहीं बिजनेस है, काम है, परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? बाहर में किसी को रहना पसंद नहीं है, अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी हो, लेकिन लौट करके ये घर आ जाना चाहता है। अरे कहीं भी बाहर जाता है रिटर्न टिकट करा करके जाता है। समय शिखर जी जाएगा रिटर्न टिकट करा करके और वहां जाकर के कहेगा प्रभु मन करता है यहीं बस जाऊं, कि किसे बेवकूफ बना रहा है। रिटर्न टिकट करा करके लाया है और प्रभु को कह रहा है कि प्रभु मन करता है तेरे ही दरबार में यहीं बस जाऊं मैं। क्या क्या पागल पे ना, समझ नहीं आती है, सब हवा में चल रही है, धूल में लग जा रहे हैं, सब चले जा रही है। भैया अंदर अंदर में आनंद है, स्वभाव में आनंद है, अंदर में आने पर आनंद का वेदन होता है। घर में आ जाओ, निज घर ना ही पिछान्या रे। सारा जगत ये कहता है घर छोड़ करके दीक्षा ले ली, सारा जगत ये कहता है घर छोड़ करके वन में चले गए। जनवाणी ये कहती है घर छोड़ने का नाम मुनि दीक्षा नहीं है, घर में आ जाने का नाम मुनि दीक्षा है। सारी दुनिया ये कह रही है घर छोड़ करके, घर छोड़ करके। अरे अरे पीछे मुनि राज, मुनि राम, अरे कहां घर छोड़ करके, घर में आ गए हैं, घर में आ गए हैं भैया। ये अनुभव है, ये अपार शांति है अंदर में, इस शांति का वेदन कर रहे हैं वो। ये फीलिंग है अंदर में उनकी, क्या फीलिंग है जरा देखो तो सही, उस फीलिंग की चर्चा कर रहे हैं। अनुभव के रस को रसायन कहते जग, इस लोक में उसे रसायन कहा जाता है, रसायन है वो। अरे अद्भुत तरह का रसायन है, उस रसायन का सेवन तो करो आप, चमत्कार होंगे। रसायन जानते, रसायन, रसायन से अद्भुत काम हो जाते हैं, अलग अलग तरह के रसायन होते हैं। ये अनुभव को सारे जगत में उत्कृष्ट जाति का रसायन कहा जाता है। और क्या कह रहे हैं? अनुभव के रस को रसायन कहते जग, अनुभव अभ्यास यहु तीरथ की ठोर है। अरे शिखर जी चले कहां चले बोलो, गिरनार जी चले आए, सोनागिर जी जाकर के बसे आए, कहां चले बोलो, मंगलायतन चले, कहां चलना है तुम जगह तो बताओ, कहां चलना है, द्रोणगिरी चले भाई साहब, कहां चलना है? अरे अनुभव ये तीर्थ की ठोर है, बाहर में नहीं होता है तीर्थ, बाहर में तीर्थ नहीं है। जिस जगह से तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, और यहां से तिरा जाता है, इसलिए असली तीर्थ का स्थान तो अनुभव है। ये कह रहे हैं बनारसी दास जी, कौन से तीर्थ की बात कर रहे हो आप, कहां से तिरने की बात कर रहे हो? अनुभव में समा जाओ, अनुभव में डूब जाओ, अंदर में समा जाओ, अंदर में झांक करके देखोगे तो आपको लगेगा अरे मुक्ति का रास्ता तो यहां से दिख रहा है,
मुक्ति का मार्ग तो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं कहां मुक्ति का मार्ग तलाश रहा हूं? बोलो, बाहर में नहीं है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। मोक्ष कहां है भाई साहब? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका कहां पे है? कहां खो गए अनुभव में? द्वार उसका आपके भीतर खुला है। तो करें क्या? अरे सुनो सुनो, बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो। क्या करना है? करना क्या है साहब? बोलो सुरेंद्र जी साहब, क्या करना है? काम क्या करना है अनुभव के लिए? बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। क्या? भीतर में देख लो। बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। करना क्या है और बताओ कुछ? डूब कर क्या? कहां डूबोगे भाई साहब? कहां डूबने की बात कर रहे हो आप? कौन से तालाब में ले जाकर के हमारे को डूबो डूबो के मारो? अरे मारने की बात नहीं है। डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके 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 भीतर खुला है। और अंतिम दो लाइनें, व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। अनुभव करो अनुभव। क्या पैसे का अनुभव बहुत किया? और किस किस का? क्या खाए भैया आज? आज क्या खा के आए संकेत जी? डोसा? नहीं सच में आज डोसे ही खा करके आए। तिजारा तिजारा गए थे जीवंदर जी के यहाँ? क्या डोसे खा करके आए? अरे डोसे का स्वाद नहीं, आत्मा का स्वाद लो, आत्मा का अनुभव। ये कह रहे हैं सारे तीर्थ फेल हैं, ये सब तिजारा। आज तो तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करके आए, तो तिजारा जाकर के आए, आज तो सोनागिरी जी जाकर के। अरे क्या साहब, क्या गजब है भाई साहब, क्या क्षेत्र है भाई साहब। अरे क्या क्षेत्र है? बाहर के क्षेत्रों में घूमता फिरता रहा, स्वयं क्षेत्र में कभी नहीं आया। स्वयं क्षेत्र पर दृष्टि देवे तो बाहर में दृष्टि देने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा क्षेत्र है ये। अनुभव का अभ्यास तीर्थ की ठोर है। क्या? अनुभव के अभ्यास को तीर्थ कहते हैं। अनुभव के अभ्यास का नाम तीर्थ है। तीर्य ते जायते अनेन इति तीर्थम, जहां से तेरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। आगम ग्रंथों में रत्नत्रय को तीर्थ कहकर के पुकारा गया, ये तीर्थ है भाई साहब। उसे तीर्थ क्यों कह दिया है? शिखर जी को तीर्थ क्यों कह दिया है? गिरनार जी को तीर्थ क्यों कह दिया है? बोलो शत्रुंजय को तीर्थ क्यों कह दिया है? द्रोणगिरी को तीर्थ क्यों कह दिया है? मांगी तुंगी को तीर्थ क्यों कह दिया है? बताओ तो सही, कोई जवाब तो देवे मेरे को। इसलिए तीर्थ कह दिया गया है क्योंकि वहां बैठ करके अनेक जीवों ने अपने आत्मा की आराधना की और निर्वाण की प्राप्ति की, इसलिए तीर्थ कहलाया। वो तो उपचार से तीर्थ है, कोई उस क्षेत्र से थोड़ी ना गए थे, स्वयं क्षेत्र से गए थे। हम भी उस क्षेत्र पर गए, हमें तो मोक्ष हुआ ही नहीं। वो तीर्थ है तो तीर्थ जाना चाहिए ना, वहां से जाकर के नहीं होता है भाई साहब, स्वयं क्षेत्र में आकर के होगा। अरे एक एक शब्द इतना बड़ा गजब का है बनारसी दास जी का, मानो ऐसा लगता है देखते देखते अनुभव में डूब डूब करके एक एक शब्द लिखा हो, ऐसा लगता है। अनुभव के रस को रसायन कहते जग, अनुभव अभ्यास यहूं तीरथ की ठोर है। अनुभव की रसा कहावे सोरी पोर सासू। क्या कह रहे हैं? अनुभव की जो रसा है, आत्मानुभूति की जो पृथ्वी है, वही उपजाऊ भूमि है, पोरसा उपजाऊ भूमि। अनुभव की रसा कहावे सोई पोर सासू, अनुभव अधोरा सासों
उरध की दौड़ है। रसा, रसा माने होता है पृथ्वी, रसा माने पृथ्वी, और पौरसा माने उपजाऊ। ये अनुभव वो है जो उपजाऊ भूमि है जहां खेती होती है। बोले किस चीज की खेती होती है? बोले अनुभव में जो डूब जाते हैं वहां से मुक्त जीव निकलते हैं। क्या है वो खेती होती है वहां? और क्या है ये अनुभव? अधो रसासो उरद की दौड़ है। क्या बात कर रहे हो आप? अनुभव क्या चीज है? बोले नीचे जो धरती पर था ना वो ऊपर की तरफ दौड़ने लगते हैं। जो जितना अनुभव में डूबने लगते हैं, जो जितना डूबते हैं वो उतना ऊपर जाते हैं। ये क्या विरोधाभास है, ये क्या अलंकारिक बात है। जो अनुभव में जितना डूबेगा वो उतना ऊपर ऊपर ऊपर। कौन कितना ऊपर जाएगा सिद्धालय तक? कौन जाएगा? जो अनुभव में पूरी तरह से डूब जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? अनुभव अधोरसा, अनुभव अधोरसासों उरध की दौड़ है। ये दौड़ लगी है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों में। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। भाई साहब ऐसा ही चल रहा है, आपको पता है? नंबर तो लगेगा 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का, असंख्यात बैठे हैं नरक में सम्यक दृष्टि, असंख्यात बैठे हैं त्रियंच में सम्यक दृष्टि और गुणस्थान चौथा नहीं पांचवे वाले, असंख्यात बैठे हैं, असंख्यात 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 सब देवों में स्वर्गों में और क्या क्या है स्थिति सोचो तो सही। आप सब लाइन लगा करके बैठे हुए हैं। अब 6 महीने में 8 समय में 608 ही का तो नंबर आएगा। तो बोले दौड़ लग रही है, जो अनुभव में जितना डूब जाएगा उसका पहले नंबर लग जाएगा। क्या करें, ये बता रहे हैं, ये अनुभव का चमत्कार बतला रहे हैं। अनुभव के रस को रसायन कहते जगे, अनुभव अभ्यास याहू तीर्थ की ठोर है। तीर्थ वंदना के लिए चले? कहां पंडित जी, कहां ले चल रहे हो? यहीं बैठो। अरे यहां नहीं तीर्थ, अरे अरे यही तीर्थ है, यहां बैठे बैठे तीर्थ वंदना होगी क्या? सारे तीर्थों की वंदना हो जाती है। जो जीव इस चैतन्य तीर्थ को तीर्थ मानकर इसमें डूब जाता है उसे सारे लोक के तीर्थों की सैर एक क्षण में केवल ज्ञान होने पर हो जाती है। बोलो कहां जाना है? सब कुछ ऐसे दिखने लग रहे, सारे तीर्थ दिख रहे हैं, सारे तीर्थों का स्थान ये अनुभूति है। अनुभव की रसा कहावे सोई पोर सासु, अनुभव अधोर सासो उरध की दौर है। अनुभव की केली यह काम धेनु चित्रावेली। ओ क्या क्या शब्द दे रहे हैं। अनुभव की केली यह काम धेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव करम तोड़े परम सो प्रीति जोरे, अनुभव समान न धर्म को और है। अनुभव समान न धर्म को और है। हम नहीं कह रहे हैं, 400 साल पहले लिखा है क्या पाटनी जी साहब? 450 साल पहले लिखी है बनारसी दास जी ने ये लाइनें। ये लाइनें उन्होंने लिखी है जो अकबर के खास दोस्त थे बनारसी दास जी। बोलो, खास दोस्त थे अकबर के, और अकबर को ये बातें सुनाते थे, साथ में बैठ करके शतरंज खेलते थे। मैंने की थी ये पहले दिन बात कही थी आपसे। बोलो क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? अनुभव की केली यह काम धेनु चित्रावेली। अरे भाई साहब, अनुभव को ऊपर चिंतामणि रत्न कहा था, यहाँ अनुभव को क्या कह रहे हैं? काम धेनु कह रहे हैं। यहाँ अनुभव को क्या कह रहे हैं? चित्रावेली कह रहे हैं। क्या क्या शब्द दिए हैं? अनुभव को क्या कह रहे हैं? बोले पंचामृत, पंचामृत। क्या बात कर रहे हो? पंचामृत, अपने यहाँ पंचामृत का क्या काम? क्या बात करते हो? अपने यहाँ क्या नहीं है ये तो बताओ भाई साहब, क्या नहीं है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ पंचामृत भी। अरे यार, आपके मुमुक्षु मंडल में पंचामृत, ये तो नई बात सुनी है आज, पहली बार सुनी है कि हाँ भाई साहब पंचामृत होता ही नहीं है, पंचामृत पीते भी है। पंचामृत की कौर है, पंचामृत का स्वाद है, पंचामृत का रसा स्वादन है अनुभव। ये कामधेनु है, कामधेनु तो जानते होंगे, हिंदू साहित्य में, हिंदू दर्शन में, हिंदू मान्यता के अनुसार कामधेनु एक ऐसी गाय है इच्छा पूर्ति के लिए मानी जाती है, जो मांगो वो मिल जाती है। जैसे चिंतामणि है, जैसे कामधेनु है, जैसे कल्प वृक्ष है, ये सब एक ही जैसे हैं, सब ये भाई भाई हैं एक दूसरे के। तो ये कामधेनु और एक चित्रावेली शब्द का प्रयोग किया। चित्रावेली शब्द को मैंने तलाशने की कोशिश की और तलाशना
चित्रावेली शब्द का एक अर्थ तो जो किया है पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो लिखा है एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी, एक तो ये अर्थ है। और सुदीप जी ने एज इट इज रख दिया चित्रावेली शब्द, और चित्रावेली की जगह यदि चित्रावली शब्द माना जाए इसे, चित्रावली एक ही मात्रा ऊपर लगी है, इसको यदि चित्रावली समझा जाए तो अनुभव ही वो चित्रावली है, वो विचित्र चित्रों की आवली माने पंक्ति है, ऐसा चित्र है, ऐसा दृश्य है जिसे देखने के बाद में अब दुनिया में और कुछ देखना बाकी नहीं रहता है। समझ ख्याल में आ रही है बात, वो चित्रावली है। अरे वैसा चलचित्र की तरह आंखों के सामने जब वो अंदर में आत्मा अनुभव आता है तो कुछ कुछ नहीं, बस अंदर में डूब जावा, कुछ नहीं दिख रहा है, अब कुछ दिखता ही नहीं, और क्या देखे भाई साहब, देखने लायक और कुछ नहीं है। अपने आत्म तत्व को देख लेने के बाद दुनिया में देखने लायक और कुछ बचता नहीं है। भक्तावर स्तोत्र के अंदर एक लाइन आती है ना, चार लाइनें हैं, दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, और पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम् जलम् जलनिधे रसितुम् कैचेत्। क्या है ये लाइनें? हे भगवान, आपको देख लेने के बाद अब किसको देखूं? दृष्ट्वा भवन्तम्, हे भगवान, दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम्, अनिमेष विलोकनीयम्। भाई साहब, नेत्रों की पलकें झपकना भी मानतुंगाचार्य कहते हैं नॉट, क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, बोलो आपको लग रहा है आपकी आंखों की पलकें झपकी इतनी देर में राकेश जी? वैसा लगाया ऐसा इतनी देर पौन घंटे से बैठे हैं लगभग आप, पौन घंटे में नेत्रों की पलकें झपकी है क्या? कोई डिस्टर्ब हुआ है क्या? लगा ही नहीं, मेरे कहने के बाद तो सबको लगा है, कहने के पहले तो किसी को भी नहीं लगा था। मानतुंगाचार्य की दृष्टि देखो, चिंतन देखो, सोच देखो, हे भगवान आप अलग, आपको देखता रहूं, डिस्टर्ब नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, ऐसा ऐसा देखने योग्य। और इसी तरह से जब आपको देख लेने के बाद दुनिया में कोई देखने लायक नहीं है, हम कहते हैं भैया सुनो, इसी का आध्यात्मिकरण कर दीजिए, इसी छंद का, अपने स्वभाव को देख लेने के बाद में दुनिया में कुछ देखने लायक नहीं है। ऐसी चित्रावली, अंदर में चित्र झलकते हैं, अंदर में गुण झलकते हैं, अंदर में आनंद झलकता है, अंदर में आनंद की धाराएं बहती है, ये कह रहे हैं यहाँ। अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है, लोगों को समझ में नहीं आती है, लोग पूछते हैं अनुभव अनुभव अनुभव, क्या होगा अनुभव से ये तो बताओ, कि तुम्हें पता है अनुभव से क्या होता है, अनुभव क्या करने में समर्थ है, इस अनुभव के गीत क्यों गाए गए हैं, पूरी की पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी एकमात्र आत्म अनुभव के लिए समर्पित है, एकमात्र आत्म अनुभव के लिए, दूसरी कोई चर्चा नहीं है, दूसरी चर्चाओं में उलझ करके रह जाओ तो जिनवाणी माँ का मर्म नहीं समझा तुमने, अंतिम लाइन के अंदर बात खोल दी है, क्या कह दिया है, अनुभव करम तोरे, अवनीश भाई क्या कह रहे हैं बोलो, अनुभव करम तोरे, अनुभव कर्म की जंजाल तोड़ता है, कर्म की जंजीरों को तोड़ देने वाला है अनुभव। अनुभव कोई साधारण चीज है? अनुभव को समझ क्या रखा है आपने, अनुभव चीज क्या है? अनुभव करम तोड़े परम सो प्रीति जोड़े, आपकी प्रीति क्यों नहीं है आत्मा के प्रति? क्योंकि आपने उसके स्वाद को चखा नहीं है। एक बार चख लेते हैं ना जो स्वाद को, वे दौड़े चले आते हैं, वे खींचे चले आते हैं, उन्हें लगता है नहीं ये स्वाद, अरे वो क्या स्वाद था, अरे वो स्वाद क्या था। बच्चे को एक बार कुल्फी चटा देते हैं ना, बस फिर टन टन टन, आपके यहाँ भी बचता है कि अलवर में भी है? यहाँ भी बराबर बचता है, सब जगह यही हाल है। मैं तो सोचा था हमारे जयपुर में टन टन बचती है, आपके भिंड में क्या होता है भाई साहब, और आपके बड़ौदा में मसाई, आपके भी टन टन चलती है ऐसी कुल्फी वाला आया, ये बच्चा पहले तो नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खा रहे, तू एक बार चख तो ले, एक बार चख लिया तो फिर क्या होता है बोलो, अब तो बस क्या, ये अनुभव का हाल है ये। अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक है भाई साहब, एक बार लत लग जाती है इसकी तो। अरे लत नहीं लगती, अरे क्या बताए, ये बात क्या है, ये कुछ अजब गजब की बातें हैं। अनुभव कर्म तोड़े, कर्म टूट जाते हैं भाई साहब, कर्म टूट जाते हैं, कर्म फूट जाते हैं। और क्या है, तोड़ना फोड़ना, तोड़ो कहो या फोड़ो कहो, एक ही तो बात है, और क्या है। न ज्ञानावरणी रहेगा, न दर्शनावरणी रहेगा, न मोहनी न अंतराय,
इसका दूसरा अध्याय उठा करके देखना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का तीसरा अध्याय उठा करके देखना। सारे जगत में जितने जंजाल, जितनी परेशानियां दिखाई दे रही है, जितने संकट दिखाई दे रहे हैं, सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। घर से बाहर निकलते ही तोड़फोड़, न मालूम क्या क्या झंझटे हैं, ओले बारिश बरसात तूफान आंधी, न मालूम क्या क्या। और घर में आकर के दरवाजे बंद कर लिए, बाहर में कितनी भी आंधियां चल रही हो, कितने भी तूफान चल रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हम बैठे अपने घर में बंद करके क्या फर्क पड़ता है, ये अनुभव का कमाल है ये। और क्या कहते हैं, परम सो प्रीति जोड़े, प्रीति जुड़ गई है परम से। परम माने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, परम माने चैतन्य तत्व, परम माने वो चैतन्य तत्व जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। उसके साथ में प्रीति को जोड़ने वाला यदि कोई है तो अनुभव है। सच में मिथ्या दृष्टियों को आत्मा के प्रति वो प्रीति नहीं हो सकती जो सम्यक दृष्टियों को होती है। मिथ्या दृष्टियों को जनवाणी के प्रति वो भगवान नहीं हो सकता जो सम्यक दृष्टियों को होता है। मिथ्या दृष्टि कितनी भी पूजन और भक्ति में नृत्य गान करे, लेकिन वैसी भक्ति नहीं हो सकती जो सम्यक दृष्टियों की होती है। मिथ्या दृष्टि कितने भी उपवास करे, लेकिन वैसा उपवास नहीं हो सकता जो अनुभवियों के होता है। ये अनुभव की बात ही कुछ और है, अनुभव वालों की बात ही कुछ और है। अनुभव वालों का चेहरा अलग दिखाई देता है। अनुभव, अनुभव की क्या बात होती है। वो एक फोटो आती है ना एक ऐसी, जब मैं देखते हैं वो दर्शन, कभी ओम दर्शन, भगवान के दर्शन भी देखिए हैं, देखो उस पे मन को एकाग्र करो ध्यान। कोई नया नया व्यक्ति है उसको तो देख एक सेकंड, तेरे को दिख रहा है क्या कुछ? उसने देखा दो मिनट क्या, और देखने के बाद में देखा तेरे को कुछ? हाँ दिख गया क्या, हमें पता लग गया तुझे क्या दिख रहा है। मैं किस फोटो की बात कर रहा हूँ पता है क्या आपको? अनंत सर बोल दो। अरे वो डूब जाता है उसमें, वो अंदर में कुछ अलग ही चीज दिखाई देती है, और जिसको वो देखो उसका जो चेहरा होता है वो बात ही अलग ही होती है। कोई हाँ देख लिया, हाँ आत्मा का अनुभव, हाँ आत्मा, हाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, हाँ आत्मा की तो बात ही कुछ और ही है भाई साहब। आत्मा हमें सब समझ में आ रहा है आत्मा का अनुभव क्या कह रहे हैं। धर्म के नाम पर कहाँ कहाँ उलझे फंसे भाई साहब। अंतिम मतलब ये तो कवि सम्मेलन में जैसे कहते हैं ना, कवि लोग कविता सुनाते समय बस अंतिम लाइन पर आप लोगों का ध्यान और आशीर्वाद चाहूंगा। क्या कहते हैं इरशाद है, जरा जरा देखो तो सही है। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में जो दम है, इन शब्दों में जो मर्म छिपा हुआ है, ये शब्द कहां से आ गए हैं? सच में गजब के शब्द हैं। पूरा छंद बोलेंगे और फिर अंत में रुकेंगे। क्या कह रहे हैं देखो, अनुभव के रस को रसायन कहते जग, अनुभव अभ्यास यहू तीरथ की ठोर है। अनुभव के रसा कहावे सोई पोर सासू, अनुभव अधोर सासो उरध की दौर है। अनुभव की केली यह काम धेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव करम तोरे परम सो प्रीति जोरे, अनुभव समान न धर्म को और है। अनुभव समान न धर्म को, क्या क्या है भाई साहब, इसके समान कोई धर्म नहीं है, धर्म ही नहीं है कोई। कितना धर्म किया बचपन से लेकर के आज तक, अरे खूब किया, अरे बहुत धर्मात्मा है, ये बहुत धर्मात्मा है। अनुभव हुआ कि नहीं, वो तो नहीं हुआ, तो काहे के धर्मात्मा है। अनुभव के बिना धर्मात्मा नहीं कह रहे हैं, अनुभव, अनुभव का नाम धर्मात्मा है। अनुभव समान ने धर्म को समय सार विधान कर लो, प्रवचन सार विधान कर लो, सिद्ध चक्र विधान कर लो, आठ आठ दिन के उपवास कर लो, दस लक्षण जी के उपवास कर लो, महीने महीने भर के उपवास कर लिए हमने, सोलह कारण के उपवास किए हैं, महीने भर के उपवास कर लिए हमने, इसके समान कोई धर्म नहीं है। ये कौन सा धर्म है भाई साहब, ये कैसा धर्म है? न हम धर्म समझते हैं, न धर्म का मर्म समझते हैं। ये धर्म बतलाया है भैया, अनुभव का अभ्यास करो, ये अनुभव, अनुभव करने की कोशिश करो, अनुभव से प्रीति जोड़ो, आत्मा अनुभव का अभ्यास करो। ये कैसे होता है अनुभव? आत्मा को समझो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा के स्वरूप को जानो। और ये देखो ये जो बातें कही है, ये कैसा अनुभव है और ये कैसा अनुभव होता होगा? ये ज्ञानी लोग इतने मग्न क्यों रहते हैं? ये ज्ञानी लोग इतने मस्त क्यों रहते हैं? ये ज्ञानी लोग इतने सहज क्यों रहते हैं? ये ज्ञानियों के जीवन में इतनी शांति क्यों होती है? जरा देखो एक बार गहराई से विचार करके तो देखो, जरा क्या है यार इनके पास में, ऐसा क्या है इनके पास में, ऐसा क्या है? हम जैसे ही तो है, ज्ञानियों के सींग उग जाते हैं क्या? कुछ नहीं है, हम जैसे ही है। क्या हो रहा है भाई साहब बोलो, कुछ
जगत में कुछ मजा नहीं आ रहा है, भोगों में मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए तो कहा है भाई साहब, जो भी लाइन बोली थी, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार। और अपने को क्या करना है, अब विषयों में ना उलझेंगे निजानंद पान करेंगे। धुन सवार हो जानी चाहिए, धुन सवार हो जानी चाहिए। अरे तो लेकर के रहूंगा यार, 6 महीने का कोर्स बतलाया, 6 महीने में कैसे नहीं होगा? वेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर चले, काम कैसे नहीं होगा? वो अनुभव करो, तब जाकर के सच्चे धर्मात्मा कहलाएंगे। ऐसा परम धर्म हम सबके जीवन में प्रकट हो, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद हम सबके जीवन में प्रकट हो, अनंत अपूर्व आनंद की उपलब्धि हो। मनुष्य जीवन में करने योग्य काम यही है, ये सबके जीवन में प्रकट हो जावे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अनुभव की बात बहुत रोचक और हितकारी है।